जांजगीर चांपा में राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ऐसे में राहुल के रेस्क्यू की राह में अब पत्थर रोड़ा बन गया है। 2 से 2.5 फीट खुदाई के बाद ये पत्थर सामने आया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद, कोशिश के बाद भी पत्थर को नहीं तोड़ा जा सका है। रात 12 बजे से टनल को बनाने का काम लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 से 2.5 फीट का यह पत्थर अब अड़चन बन रहा है, रोड़ा बन रहा है। इसे तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। कई घंटों की कड़ी मशक्कत लगातार जारी है और रात 12 बजे से टनल को बनाने का काम लगातार जारी है। जांजगीर चांपा में पिछले 4 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहुल को बाहर निकालना, सकुशल बाहर निकालना News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम का हिस्सा भी, और ऐसे में तमाम फोर्सेस वहां लगी हुई है। NDRF, SDRF, SCCL और इंडियन आर्मी जैसे तमाम सेना के जवान और अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। राहुल को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। रात 12 बजे से टनल को बनाने का काम लगातार जारी है और अभी भी इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है जो बीच रास्ते में आ गया है। चलेंगे जांजगीर चांपा, बात करेंगे सत्या राजपूत से। सत्या, अब तक रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, राहुल को बचाने के लिए जो प्रयास लगातार की जा रही है, ऑपरेशन जो है कंबाइन ऑपरेशन जारी है और जो उसको बचाने का प्रयास जो है सुरंग के माध्यम से किया जा रहा है, जिनके नेतृत्व में जो है SCCEL के नेतृत्व यहाँ पे जो है कर रहे हैं। हमारे साथ श्रीकांत जी हैं। अब कितने समय तक आप लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और क्या चुनौती सामने आ रही है अभी भी? अभी तो मेजर नहीं, पत्थर का जो है ना ब्रेकेज जो मेन प्रॉब्लम था वो जहाँ तक इट सीम्स कि वो सॉल्व हो रहा है, वो प्रोग्रेस अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। अभी एक बार पत्थर एक और थोड़ा सा इंडिकेशन मिला है कि पत्थर का जो थिकनेस है, लंबाई, वो बहुत ज़्यादा नहीं है शायद। अगर वो इफ़ इट इज़ करेक्ट, मतलब जहाँ तक है थोड़ा आगे जाने के बाद कन्फर्म होगा तो काफ़ी कुछ लाइन पे आ जाएगा वो। तो उम्मीद कर रहा है कि अभी अराउंड अभी मर गया 12 ये आज सेकंड शिफ्ट मतलब अराउंड 7-8 o'clock तक राउंड अप होना चाहिए मैक्सिमम। 8 तक मान के चले? हाँ, चल सकते हैं बिल्कुल श्योर। अगर इट इज एवरीथिंग इज मतलब एज पर शेड्यूल चल रहा है, जिस तरह से जिस रफ्तार से जो कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब तक 8 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, चल रहा है, क्योंकि कुछ कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिला है हमको, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 8 o'clock तक हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। मशीन से आप काम कर रहे हैं, कितने लोगों को आप इस कार्य में झोंके हैं? इसमें SCCL से 15 आए हुए हैं, NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, स्टेट गवर्नमेंट है और ट्राली माउंटेड ड्रिल मशीन का उपयोग करके अभी होल कर रहे हैं और उससे हमको ज़्यादा फायदा मिला है और संभावना कि आज रात में आज शाम तक काम खत्म हो जाना चाहिए यदि कोई प्रॉब्लम नहीं आई आगे, तो क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हैं और हमको बच्चे को बचाना भी है, सेफ्टी भी लेना है, ज़्यादा हम उसमें वाइब्रेशन नहीं दे सकते हैं, तो मैनुअल कटिंग भी करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखिए, सभी कह रहे हैं कि जो अभियान है, ऑपरेशन है, वो तेज गति से जारी है। अब देखना यही होगा कि राहुल को कब तक लाया जा सकता है। कुछ व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो टीम उतरी हुई है नीचे सुरंग बनाने के लिए, उनकी ये व्यवस्था की गई है। ये पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर है, एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे ले जा रहे हैं, पंप रखे हुए हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन पाइप जो रखे हुए हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है और जो यहाँ से जो जितने भी टीम जा रहे हैं उनके व्यवस्थित तरीके से अलग अलग भागों में टीमों को बांटा गया है। आप लोगों की टीम भी मैदान में है इस, और अब तक आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? बस सर, देखिए, जैसे कि आपको भी पता है कल से वो एक पत्थर आ गया है, उसकी वजह से हमको थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी हम नया कटर मशीन ले आए हैं जिससे वो काम चल रहा है और एक अच्छी बात यह है कि 2 उसका कट भी गया है, तो बहुत जल्दी हम फिर से टनल बनाने का काम चालू करेंगे। बस ये पत्थर पूरा ब्रेक हो जाए, बस उतनी देर। कटर मशीन कितना कारगर साबित हुआ? पहले अगर इसको ले आ रहते तो काम कितना रफ्तार, अभी आप कहाँ तक होते? नहीं, के पास होते क्या? अगर पहले तो कटर मशीन क्या है, ये बिना वाइब्रेशन के काम करती है, तो शुरू से, और इसकी स्पीड थोड़ी धीमी होती है इसलिए बिना वाइब्रेशन के काम करती है। शुरू में इसको लाने का औचित्य नहीं था क्योंकि शुरू में हमने पोकलैंड से 350 से इससे काम किया हुआ है, अदर जो भी ब्रेकर्स वाली मशीनें हैं आप देखेंगे उससे काम किया, तो उससे काफ़ी फास्ट हमारा यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ है और कटिंग हुआ, आप देखेंगे लगभग 52 से 55 मीटर हमने कल तक खोद लिया था यहाँ पे।
कड़ी धूप है और ऐसे में जो नीचे सुरंग में लोग गए हैं उनके लिए आप लोग क्या व्यवस्था किए हैं, उनके हालात कैसे, क्योंकि वो तो दूसरे को बचाने के लिए जा रहे हैं राहुल के, उनके भी सुरक्षा जरूरी है। उनके लिए हमने आप देखेंगे जैसे फैन का पूरा इंतजाम किया हुआ है, ORS इलेक्ट्रॉल सारा व्यवस्था उनके लिए किया गया है, और सबसे मस्त ये है कि हमने सेफ्टी का सारा इंतजाम किया हुआ है उनके लिए, हरनेस, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जैकेट, उसके अलावा इंडियन आर्मी के भी जवान वहाँ पे तैनात है, अगर किसी प्रकार का कुछ होता है तो तत्काल वहाँ पे उनको सहायता दी जाएगी। उसके अलावा आप देखेंगे सारी एम्बुलेंस वगैरह भी खड़ी हुई है, तो जो रेस्क्यू टीम हमारी नीचे टनल के पास काम कर रही है उनकी भी सुरक्षा का ध्यान देते हुए राहुल की एक्टिविटी को लेकर, मूवमेंट को लेकर क्या कुछ तस्वीर आखिरी बार सामने आई है, राहुल ने क्या कुछ खाया है, क्या कुछ उसने एक्टिविटी की है अब तक? लेबर अल्टरनेट हम वहाँ पे चेंज करते जा रहे हैं और उसके बाद फिर हर थोड़ी थोड़ी देर में शिफ्टिंग में काम। राहुल की स्थिति को लेकर बात करें, क्योंकि जिनको बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति है, इस पर भी नजर होगी, क्या गतिविधियां हैं, कैसे उन तक पहुंच रहे हैं? अभी हम उनसे 7 से 8 फीट की दूरी पर हैं और धीरे धीरे अभी कटर मशीन से काट करके हम उनके तक बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज आया था कल, जो रॉक में रॉक निकला था, उस रॉक की वजह से काम थोड़ा सा धीमा हुआ है। अभी राहुल की क्या स्थिति है, राहुल क्या कुछ खा रहा है, क्या उसका कुछ मूवमेंट दिख रहा है? अभी उनकी स्थिति जो है स्टेबल बनी हुई है और लगातार NDRF की टीम, हमारे डॉक्टरों की टीम और जो भी यहाँ पे प्रशासन की टीम है लगातार नज़र बनाए हुए हैं और अभी वो स्टेबल है कंडीशन। तो कोशिश करते हैं हम आगे और आपके ये ले जाते हैं जहाँ पे राहुल जो बोरवेल में फंसा है वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कलेक्टर की निगरानी में वहाँ टीम बनी हुई है और वहाँ से मीडिया को दूर रखने का आदेश दिया गया है। हम वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टर वहाँ स्वयं मौजूद हैं और जो राहुल है उसकी स्थिति हम आपको बताएंगे कि अभी क्या है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं और जो NDRF की टीम है लगातार जो है कोशिशें कर रही है राहुल से बातचीत करने की, उनके परिजन भी हैं। तो हम जो है ग्राउंड जीरो पे पहुंच रहे हैं जिस बोरवेल में राहुल जो फंसा हुआ है, वहां तक हम आपको पूरे एक एक जो है पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि राहुल को बचाने के लिए क्या आखिर किया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, और इन तमाम जानकारी के साथ कुछ ही देर में हम कलेक्टर से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर, अभी क्या स्थिति है, आप टनल के काम रात से कर रहे हैं? अभी जो टनल का काम है उसमें गति में काफ़ी तेज़ी आई है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम बच्चे तक पहुंच पाने में कामयाब होंगे, यही गति मेंटेन रही। हर कोई जानना चाह रहा है कि राहुल की स्थिति क्या है, हालांकि कई सारे वीडियो सामने आ रही है कि वो केला खा रहे हैं, सर उठा के इंगित कर रहे हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में अभी जो पिछला रिपोर्ट है तब तक स्थिति नॉर्मल है, हालांकि समय के साथ में जो कुछ दिक्कतें हैं वो उस बच्चे के साथ ही हैं, पर फिलहाल राहुल सकुशल हैं। पहले जैसे मूवमेंट कर रहे थे वैसे अभी कोई संकेत, एक आध घंटा पहले या कुछ? वो रिपोर्ट मुझे लेना होगा, बट अभी जो पिछला मैंने रिपोर्ट लिया था उस समय तक स्थितियाँ सामान्य थी। बड़ी चुनौती आ गई थी बीच में, पत्थर जिस चट्टान नुमा आपको मिल गया था और कार्य की गति रुक गई थी, अब क्या है उसी गति से काम चल रहा है कि स्पीड बढ़ी? तेज गति से काम चल रहा है और वही हमारी आशाओं का कारण है। तो देखिए यहाँ स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि गति में जो तेजी लाई गई है, चूंकि यहाँ पे कई तरह की मशीनें सामने लाई गई है और ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं यहीं पे जो है राहुल बोरवेल से में जो फंसा हुआ है 60 मीटर के जो है नीचे गहराई पे जो राहुल फंसा हुआ है और उसके सामने जस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ 3 मीटर के दूरी पे जो है 65 जो है फीट की जो गहराई जो है यहाँ पे गहराई पे जाकर सुरंग बनाने का काम किया जा रहा है। यह जो सीधी तस्वीर देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्या खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सबके बीच में राहुल को अब से कुछ घंटों बाद सकुशल बाहर निकालने की बात अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर राहुल हम सबके बीच कब सकुशल बाहर आता है।